नमस्कार, आप देख रहे हैं बेशक न्यूज। आज की इस खास वीडियो में स्वागत है। साथियों, देश की मीडिया में अंदेशक मादे 17,000 का मुद्दा गूंज रहा है, साथ ही नियमितीकरण को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। और खास खबर, अंदेशक स्कूल चलो अभियान में अपना उत्कृष्ट योगदान निभा रहे हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल बेल आइकन प्रेस कर लें। शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। एक अच्छा वेतन लाइए ना, आपके राज्य में अंदेशक एक है जिसको 17,000 देने का आपने वादा किया, लेकिन आप वो हाईकोर्ट के जीतने के बाद भी आप इतने ढीठ हो गए कि आप मानने को नहीं चाह रहे। उसके लिए कम से कम एक बढ़िया वेतन का पैकेज लाइए अंदेशक के लिए, शिक्षा मित्रों के लिए, जिससे अच्छी शिक्षा क्षेत्र में अच्छी क्रांति आए, बच्चों को अच्छा शिक्षा का वो हो सके, युवाओं के लिए रोजगार डेवलप करिए, किसानों के लिए कुछ करिए, किसानों की आय दुगनी हो। कितना स्तर हम सब लोगों ने सुधारा है, हालांकि काम अभी और करने की हम सबको जरूरत है, लेकिन नकलें इतनी चलती थी, दो नंबर से लोग पास होते थे, भ्रष्टाचार का मामला था। अभी सभी लोग शिक्षा के मामले में बहुत अग्रिमी काम कर रहे हैं। और ये जो बजट है हमारा, इसमें बजट में तो हम सब लोगों ने इतना ख्याल रखा है कि आम मानव, आम जनमानस के लिए बहुत ही सराहनीय बजट है और बहुत ही अच्छा काम किया है। शिक्षक लेबर से ज्यादा क्या होगा, शिक्षकों के लिए 17,000 जो अनुदान की बात है, नहीं वो शिक्षा मित्रों का मसला है। तो देखा साथियों, मीडिया से लेकर पक्ष विपक्ष सभी में अंदेशक और शिक्षा मित्रों की चर्चा हो रही है, उनके मान सम्मान को लेकर, उनके सम्मानजनक मानदेय को लेकर, चाहे मानदेय 17,000 हो या नियमितीकरण से संबंधित। दूसरा समाचार बड़ा आ रहा है, आज समाचार पत्र ने इसको प्रकाशित किया है, फतेहपुर से। स्कूल चलो अभियान में अंदेशक ने अनोखी पहल, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सिखाया बच्चों को शिक्षा का महत्व। जी हाँ साथियों, ये समाचार फतेहपुर से आ रहा है। और इसी तरीके से प्रदेश के हर ज़िले में अंदेशक अपने अपने स्तर से, अपने अपने कौशलों के माध्यम से बच्चों में शिक्षा की अलग जगा रहे हैं। साथ ही एक और समाचार है, शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश से बाल सभा के माध्यम से सिखा रहे हैं बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना। बाल सभा के माध्यम से गीत भजन और साथ ही देशभक्ति गीतों के माध्यम से और प्रार्थनाओं के माध्यम से बच्चों को संस्कारवान बना रहे हैं हमारे अंदेशक साथी। ये एक बड़ा समाचार। और एक अच्छी खबर जो माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हमारा देश शिक्षित देश बने, उत्तर प्रदेश शिक्षित उत्तर प्रदेश बने, संस्कारवान उत्तर प्रदेश बने, उसके लिए विशिष्ट शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक अंदेशक पूरी तरीके से तन मन धन के साथ लगे हुए हैं। अब बात बनती है उनके मान सम्मान की, तो ये भी माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी को सोचना चाहिए कि हमारे अंदेशक साथी किस तरीके से अपने जीवन को पूरी तरीके से लगा चुके हैं बेसिक शिक्षा विभाग में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। तो ये थी खास खबर, मिलते हैं जल्द किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोविड गाइडलाइंस का पालन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।